प्रयागराज के बाद अगली डेस्टिनेशन की ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। बाकी सवारी बैठ चुकी गाड़ी में। मैं, पापा और अंचल जा रहे हैं बस से, जो कि गर्मी में होने वाली बहुत 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 हालत ख़राब। तो हम इसे जाते हैं। बस स्टैंड भी आ गए, लेकिन गर्मी इतनी है पता नहीं बस में क्या ही हालत होगी। अभी क्योंकि दोपहर के बज रहे हैं 2, पूरी तरह से हालत ख़राब हो जाने वाली है, खास करके रोडवेज में। नो आइडिया। तो भाई 1.5 घंटे के गरम सफ़र। इतने गर्म सफ़र के बाद कुछ ना कुछ ठंडा चाहिए, ठंडा पानी पी तो लिया, थोड़ा ठंडा लस्सी पीते हैं तब जाके थोड़ा कुछ फ़ायदा होगा शरीर में, क्योंकि अभी आधा सफ़र किया, आधा सफ़र अभी रह रहा है। उसे पूरा करने के लिए शरीर में कुछ नहीं है, क्योंकि मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ इस गर्मी में। पूरा हालत देख ही रहे हो, बालों की और शरीर की दोनों की। तो पहले लस्सी पीते हैं। अभी तक का स्टेटस ये रहा है कि ज़्यादा लगेज होने की वजह से मैं सही से वीडियो बना नहीं सका। मुझे वीडियो अपलोड करनी थी आज करीबन सुबह 10 बजे करीब, बट ट्रैवलिंग की वजह से थकान इतनी थी और आगे का भी इतना डिसाइड करना था कि हो नहीं पाया। तो ट्राई करूँगा कि आज रात में, अगर आज रात को टाइम मिला तो वीडियो अपलोड कर दूँगी। सवारी मिल गई अभी। भाई आज तो हम ई रिक्शा में जा रहे हैं, करीब आज से 12 से 13 साल पहले, इतने होंगे भाई, हाँ इतना ही पहले तांगे से आते थे, जो बड़े वाले तांगे आते ना उनसे आते जाते थे। तो देखो मिनी मेट्रो से आते जाते भाई, बहुत 13 साल में इतना डेवलपमेंट बहुत है। मतलब रोड बहुत अच्छा है, रोड भी ऐसे हुई ना, पहले तो मिट्टी की रोड थी, अब तो अच्छी कॉन्क्रीट की अच्छी वाली रोड है। जहाँ से हमने ये ई रिक्शा बुक की थी वहाँ से कायदे से आधे घंटे में हमें पहुँच जाना चाहिए था जहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 1 घंटे हो चुके हैं और हम बस टुक 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 चल ही रहे। चलो अभी और चलना, चलते रहो, आओ। दो घंटे ढाई घंटे 3 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद प्रयागराज से चले थे और 6 बज रहे, 3 बजे चले थे, 6 बज रहे, इतनी देर के बाद।